चाय तो बहुत अच्छी बनी है आज। हम तो हमेशा ही ऐसी चाय बनाते हैं। नहीं आज तो कुछ अलग है। वैसे आज आप अच्छी भी दिख रही है, ये बहुत होता है आपका। नहीं बेगम हम तो बस क्या है बेगम, एक बात मैं बहुत दिनों से परेशान कर रही हूँ। 4 साल हो गए हमने आज तक कुर्बानी नहीं की, आज तक तिमिल्ला अल्लाह माफ करे, नाते रिश्तेदारों में हमारी दोस्ती होती है। हमने तो सोचा है इस साल हम कुर्बानी जरूर करें। पैसे कहाँ से आएंगे? हम सोच रहे थे 7.5 से आप कुछ पैसे ले लेती तो हम पहले ही बहुत उधार दे चुके हैं। और तो मेगा हमने लौटाए तो है उनको? जी नहीं बिल्कुल नहीं, खुदा का खौफ था ये। अरे बेगम आप तो छोटी छोटी बातों पर फिर ठीक है। आप मुझे छुटके बनवाए थे हमने आपके लिए ना, वो आप हमें दे दीजिए। अगले महीने आपको फ्री बनवा देंगे। अबू जय अबू, यहाँ आयत ने लिखा है कि कुर्बानी सिर्फ उन पसीने की कमाई से ही जायज है। अपनी पढ़ाई करना, बड़ों की बात सुनता है बच्चा, इस खबीज कहीं का। देखिए बच्चे पे मत चलाइए, लीजिए लीजिए हमारे काम। हमें नहीं चाहिए बेगम, ले लीजिए। अरे बेगम हम तो घर के लिए कर रहे थे, आपका दिल नहीं देना दीजिए। जी हम दिल से दे रहे हैं, आप ले लीजिए। आपके लिए कर रहे हैं बेगम हम सब। अच्छा माते बढ़ाई में लगाकर हम ना गड्डू, अब हम
खेलेंगे। तू 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 मुझे पकड़, मैं तुझे पकड़ पापा, चल तेरी बारी पे। आजा पकड़ मुझे, एक गलती आजा, एक इधर आ, इधर ऐसे नहीं आएगा। रही चाचा के यहाँ भी जाएंगे। अब गट्टू तू 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 ना थोड़ी गर्मी है बेगम, मसलों से पता बोलता नहीं है। ये कोई सोने की जगह है? जमीन में सो रहा है जानवर के साथ। जी हम उठाते हैं, आप रखे हुए आप आराम। अरे दिन भर पढ़ाई छोड़कर जानवर के साथ चिपका रहता है। चलो बेटा उठो, चिपको चिपको। हाँ आपके लाश याद नहीं तो गाड़ दिया बेटा। आप थके हुए आप आराम कीजिए, हम उसे समझाते हैं। चिपक लो अभी। हाँ अभी कल ईद है, जब हम उसको दबा करेंगे ना तब देखते हैं किससे चिपकते हो। आप मार डालोगे? नहीं देखिए ना, आप आराम कीजिए। भाई क्या पड़ता है मदरसे में? हाँ अम्मी इस्लाम तुम्हारे तो मालूम ही नहीं है। बेटा कोई बकरा है, अम्मी आप उसे मार डालेंगे। जब वो मारेगी नहीं तो दबा करेंगे, और ऐसा तो होता ही है ना, ये तो रिवाज है। अम्मी लेकिन गट्टू मेरा दोस्त है। समझाइए बेटा, हम समझा रहे हैं। रमजान बेटा वहाँ धोके पढ़ने के लिए बैठे, हम अबू के लिए शरबत बना के लाए। चलो उठो उसके फरमान से मुंह हाथ धो। बेगम मकबूल के बच्चों को देखिए आप, कितने तहजीब जानता है इस्लाम का कितना, और ये शर्म आती मुझे। हम समझा रहे हैं। कंबख्त को आज ही का दिन मिला था जाने का, और उस बकरे को ले जाने की क्या जरूरत थी बताइए बेगम? बकरे की पड़ी हुई है, यह हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया सुबह से। अगर बेगम कहीं नहीं गया होगा, बैठा होगा तालाब के पास, आवारा हो गया है वो बच्चा, मिस कहीं का आना दोस्तों। कौन सी उम्मत उसे, सुबह से दोपहर हो गई है, न जाने किस हाल में होगा, कुछ खाया होगा। बेगम वहां तो खामोखा बहन चाचा गए ना, लेके आएंगे उसको। आप जाइए ना, आ जाएगा बेगम आ जाएगा, आप थोड़ा चुप कर लिए।
वहां ले दीजिए उसको। देखो आप चुप करके जाके देखते हैं उसको, परेशान करके रख दिया हमें। बेगम थोड़ा दोस्त मंगवा लीजिएगा, त्योहार का दिन है, मेहमान खाने पे आएंगे, ना कर जाएगी हमारे, हम लेके आते हैं उसको। मुझे भूख लगी है, मेरे खा तो मुझे भी लगी है। बस ये शाम हो गई, तू मम्मी कितनी परेशान होगी ना, और अबू मुझ पर कितना डांट रहे होंगे। घर वापस चले, लेकिन लेकिन हम अगर घर वापस गए ना तो अबू तुम्हें मार डालेंगे। हम नहीं जाएंगे, हम यही जंगल में रहेंगे। बट्टू मैं अगर घर ले जाऊंगा ना तो बट्टू को आ रहा है, बट्टू को आ रहा है। गट्टू तू जा, तुझे मेरा वादा। गट्टू कोई मेरा ना। गट्टू तू जा, मैं तुझे मिलने आऊंगा। तू जा, जा, जा। गट्टू मैं तुझे मिलने आऊंगा। अल्लाह मेरे गट्टू को सही सलामत रखना। मैं उसे घर से भाग के लेके आया। अल्लाह मैं गट्टू से मिलने जरूर वापस आऊंगा। अरे बेगम देखिए खाना तैयार हो गया नहीं? और मुझे देख लीजिएगा, समय हो गया। शबाना जरा कढ़ाई में सब्जी देखना, हम बूंदी देखकर आते हैं। बेगम ये दस्तकवान था आपके? जी बस मेज के नीचे। अरे सुना ही नहीं आपने? संतान के अबू। हाँ बोलिए ना। हम आपसे एक बात कर सकते हैं? आप नाराज तो नहीं? बोलिए बेगम, नमस्ते। रमजान घर आ गया है, उसका सहमोगा क्योंकि डांटेगा। हर कहा है बुलाइए दोस्तों? अरे बेगम क्यों डांटेंगे हम उसको, आप बुलाइए तो। रमजान बेटा अंदर आ जाओ, अबू तुम्हें डांटेंगे नहीं। आ गए साहब दादे, त्योहार के दिन घूम रहे थे? हाँ कहाँ थे पूरा दिन, कहा है कि नहीं, कहाँ थे? आपको क्या से जबान लगाए तमिल नहीं, कैसी औलाद दी आपने हमको, हमें सही था। अब शांत हो जाएगा, मैं परेशान रह दिया है। ये तो मेरे घंटू घंटू की घंटी है। मेरा घंटू घर वापस आ गया, कहा है मेरा घंटू? ये घंटी तो मैंने उसे दी। घंटू ए घंटू, मैं कहा है मेरा घंटू? मेरा घंटू तू जो उसको जंगल में छोड़ाया था, वो तो खुदा का शुक्र है लखीम चाचा का, उसे घर ले आए। ये तो हमारे क्या पता थे, अगर मेहमानों को खाने को कुछ था ही नहीं। आपने बच्चे को मार डाला? अगर मारा नहीं, आपने बच्चे को मार डाला? आपने बच्चे को मार डाला? अरे वो मेरा कैसी हो रहा है, अरे वो मेरा दोस्त था। करूंगा कष्ट।
Thank you.